नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 151 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। हार से नाराज अब इंग्लैंड की टीम के कोच और कप्तान जो रूट ने टीम इंडिया को धमकी दे डाली है। इन दोनों ने क्या कुछ कहा है टीम इंडिया के लिए, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर नजर आई गर्मा गर्मी अब मैदान के बाहर की जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। दोनों टीमों की ओर से अब एक दूसरे पर जिस तरह से शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि इस सीरीज ने वाक युद्ध का रूप ले लिया है। एक दिन पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा था कि अगर कोई विरोधी खिलाड़ी हमारे किसी एक क्रिकेटर के खिलाफ छींटाकशी करने की कोशिश करता है तो बाकी के बचे 10 खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाफ ऐसा ही रुख अख्तियार करेंगे। राहुल के इस बयान के बाद अब इंग्लैंड की टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वे लड़ाई से डरते नहीं हैं और अगर भारत उन्हें गिराने की कोशिश करेगा तो वो भी इसका जवाब देंगे। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से खेला जाएगा। राहुल के दिए गए बयान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सिल्वरवुड ने अब ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद जुबानी जंग और भी तेज हो सकती है। सिल्वरवुड ने कहा है, एक चीज यह है कि हम लोग बिल्कुल भी लड़ाई से डरते नहीं है। अगर भारतीय खिलाड़ी हमें धक्का देंगे तो हम इसका जवाब देंगे। अब देखना होगा कि दोनों टीमों के बीच की यह जुबानी जंग आगे कहां तक जाती है और कौन सी टीम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में सफल रहती है। तो दोस्तों, ये थी भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।